झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में महिला का भूत निकालने के पहुंचा गिरोह 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया, जिसको लेकर पुलिस थाने में सूरजगढ़ के वार्ड 22 निवासी संदीप कुमार जाट ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस भूत निकालने वाले एक बाबा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बाबा का अब सूरजगढ़ पुलिस भूत निकालेगी। जानकारी के अनुसार संदीप कुमार जाट सूरजगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी माता सुमन देवी की तबीयत खराब रहती है, इलाज के लिए हर जगह दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुई। किसी के कहने पर इलियास बाबा को दिखाया तो इलियास बाबा ने कहा कि आपकी माता के शरीर में भूत है जिसे हवन करके निकाल देंगे, जिसके बाद आरोपी हत्या मथुरा निवासी इलियास बाबा व अन्य 3-4 लोगों के साथ भूत निकालने के लिए घर आया और हवन में 5 लाख रुपये रखवा लिए। सभी लोगों को ध्यान लगाकर बैठा दिया। इस बीच हवन से निकली धुआं से सभी लोग बेहोश हो गए और 3 घंटे बाद होश आया। तब तक हवन कुंड के पास रखे 5 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार हो गए थे। होश आने के बाद घटना का पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी इलियास बाबा को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। हमने करके थोड़ी परेशानी की थी मेरी मम्मी जी के, काफ़ी समय से डॉक्टरों से दवाई वगैरह दिलवाई, कोई आराम नहीं आया। फिर हमने तांत्रिक द्वारा काम करवाया था हमारे दोस्त के थ्रू, इससे हमारी मुलाकात हुई, इसको हमने घर पे लेके आ गए थे। इसने हमारे को वन पे रखकर 5 लाख रुपए और सामग्री रखकर वहाँ पे बैठा दिया, ये फरार हो गया। हमें पता ही नहीं चला कब गया कब नहीं गया, हमें 2-3 घंटे बाद में पता चला। हम थाने में आए, हमने FIR दर्ज करवा दी, पुलिस प्रशासन अपना काम करते हुए बंदे को पकड़ लिया गया और बंदे फरार चल रहे हैं। फरवरी 2021 में ये प्रियवती संदीप कुमार द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि उसकी माता के इलाज के बहाने जो पूजा पाठ करने वाला तांत्रिक था वो पूजा पाठ की आड़ में 5 लाख रुपये लेकर के फरार हो गया था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। दौरान अनुसंधान में नामजद आरोपी इलियास पुत्र श्री सकूर निवासी हाथिया पुलिस थाना परसाना मथुरा को मेरे द्वारा उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है, जिसको कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड प्राप्त कर किया गया है और उससे अनुसंधान एवं माल मसरूफा की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।